एक एक खरीद के उसमें सामान वामान लेके हमने सामान डाले थे। लोन का कागज भी हमने दिखाया, वो जो कॉपी है वो भी दिखाई हमने। अभी लोन भी चला, हर महीने 12,000 हमें देना पड़ता है। थोड़ा वही दुकान से हम गुजारा ही करते हैं, घर भी चलते हैं। सारा सामान भरा हुआ था और उसमें हर और सामान थे, जैसे बिस्कुट थे, कुरकुरे, चिप्स मिस और भी सारे, जैसे किराने स्टोर में थोड़ा बहुत जो सामान, चॉकलेट का डिब्बा वब्बा यही रखते थे। चौदह पंद्रह साल में अपने मतलब आपने 14-15 सालों में पूरा अपना बिजनेस सेट किया। हाँ। पूरा बिजनेस सेट कर लिया था। अच्छा, एमसीडी की तरफ से देने से ये उम्मीद रहे कि वो कभी तोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, उससे हमारे भविष्य में, हमारे जरिए फिर मेरे बच्चे का भी भविष्य उसमें जुड़ा रहेगा। नमस्कार, दिमुख नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम, और जैसा कि पिछले शनिवार के बाद से ही जहांगीर पूरी खबरों में बना हुआ है, तो हमारे साथ इस समय रहीमा हैं, जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है डिमोलिश में, जो उस समय अतिक्रमण हटाया गया था उसमें सबसे ज़्यादा इनका नुकसान है। हम सब ने वो वीडियो देखी थी जिसमें बच्चा पैसे चुन रहा था। आज उस बच्चे की माँ के साथ हम उनसे जानेंगे कि उनकी जो संपत्ति है, लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है, आगे क्या करेंगे, कैसे इन्होंने सारी जो अपना काम था वो शुरू किया था। कितने साल पहले आपने अपना काम शुरू किया था? ये कम से कम 2006 से आगे है। कागज जो चलान का था 2006 से है। आपकी दुकान, आपकी जो रेडी थी उसका चलान? हाँ, तेरे पहले वो रेडी पटरी थोड़ा सा था, ऐसे रेडी पे लगाए थे। अब लोन वोन लेके थोड़ा थोड़ा लोन लेके इतने दिन से बंधन से हम लोन लेके थोड़ा सा सही करके बनाए। फिर उस दिन 2 लाख का लोन लिया, लेके हमने फ्रिज कागज एमसीडी की तरफ से अगले साल हमें कागज दिए थे। वो कह रहे थे कि इसमें कुछ हाथ नहीं लगाएंगे एमसीडी वाले, कुछ बोलेंगे नहीं, ये कागज है तो उस कागज चिपका हुआ, तो उसके वजह से हमने बंधन से लोन लिए थे 2 लाख के। वो पैसे लगे हमने फ्रिज लगाए थे दुकान के अंदर। कितने दिन पहले फ्रिज लगाई थी आपने? ये कम से कम 8-9 महीने से ज्यादा हो गया। मतलब अभी रिसेंट लोन लेके रिसेंट ही लगाई है, ज्यादा समय नहीं हुआ था। हाँ, तो लगाए थे, एक एक खरीद के उसमें सामान वामान लेके हमने सामान डाले थे। लोन का कागज भी हमने दिखाया, वो जो कॉपी है वो भी दिखाई हमने। अभी लोन भी चला, हर महीने 12,000 हमें देना पड़ता है। थोड़ा वही दुकान से हम गुजारा ही करते हैं, घर भी चलते हैं। अब 12,000 रुपये का लोन कैसे भरेंगे? क्या बैंक से आप लोगों ने, बैंक वालों ने आपसे संपर्क किया है? नहीं, बैंक वाले, वो बैंक वाले नहीं है, जैसे जो बैंक बंधन है ना, तो लोन देते हैं उनसे हमने लिया। बैंक वालों से आप लोगों ने ये घटना के बाद संपर्क किया कि अब तो सबको? उन्होंने अभी पूछा भी नहीं, हमने उनको बताया भी नहीं, हम जाने का मौका नहीं, क्योंकि ऐसे हालात में, ऐसे खुद मेरा हालात ही ऐसी है, मुझे जाने का मौका भी नहीं मिला। कितना सामान था आपकी दुकान में जिस वक्त तोड़ी गई? उसमें फ्रिज थे। कितने फ्रिज थे? 3 फ्रिज थे और सारा सामान भरा हुआ था, और उसमें हर और सामान थे, जैसे बिस्कुट थे, कुरकुरे, चिप्स मिस और भी सारे, जैसे किराने स्टोर में थोड़ा बहुत जो सामान, चॉकलेट का डिब्बा वब्बा यही रखते थे। कब शुरू किया आपने, मतलब अपनी शादी के बाद शुरू किया पहले से? नहीं, आप लोगों शादी के बाद शुरू नहीं किया, लेकिन शादी के बाद मेरे पति मजदूर थे, दूसरे के पास काम करने जाते थे, तो फिर उसके बाद हमने बंधन लोन से थोड़ा लोन लेकर, तब कम ही लोन दिया था, तो पहले एक रेडी खरीदे थे, छोटा था, रेडी से शुरुआत किया हूँ करते करते, फिर वो लोन देते थे उसे थोड़ा दे बड़ा बड़ा के, जैसे भर भर के थोड़ा ठीक ठीक करके लोन लेके उससे। इसका आइडिया था आपका या आपके पति का? कि हम, मेरा ही आइडिया था। आपका आइडिया था? क्योंकि ये जो मजदूर था, घर नहीं था, बहुत बुरा हाल थे तब, मैं पूरे दिन चले आते थे, 300 रुपये देते थे, तो उसमें दवाई ये सभी, तो वो मैं अपने नाम से लोन लिया था, तो कोई बोले अपने नाम से लोन ले, तो वो मेरा ही आइडिया था।
आपने लोन लिया था आपके नाम से लोन का जी, कितने साल मतलब आपको लगे यहाँ तक स्टेबल होने में? इतना कम से कम कितने साल लगे, 14-15 साल हो गए। 14-15 साल में आपने, छोटा था बड़ा, मतलब आपने 14-15 सालों में पूरा अपना बिजनेस सेट किया? हाँ। पूरा बिजनेस सेट कर लिया था। अच्छा, कितना नुकसान अगर टोटल देखा जाए हुआ है आपका? तो नुकसान देखो तो सब बोलेंगे इतने से, जो सामान थे 70-80 का, जो जा रहा है, जो कैंपा का, कैंपा फ्रूटी जो हर चीज़, जैसे मदन ढेरी का भी रख, जो गर्मी के हिसाब से आपने सामान भरा था 70-80 हज़ार का भरा था हमने, मतलब सामान ही भरा था, बाकी सामान सब सामान गया, मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है। फ्रीज छोड़ के जो लोहे का रेडी था हमारा, वो रेडी सब छोड़ के बता रही, सामान काफी नुकसान हुआ। हाँ, काफी क्या है। क्या सोचा आप लोगों ने, कोई मदद कहीं से मिलती है? हमें ना पैसे नहीं, हम जो उम्मीद रख ले सरकार के तरफ से, हम एक ही उम्मीद रखना चाहते हैं कि हमें पैसे में से नहीं, मदद करना चाहते हैं तो सरकार को कहना चाहते हैं हमें ऐसी रेडी जैसे MCD की तरफ से हमें दे दे, जैसे हम फिर लोन ले, फिर सामान भरे, फिर तोड़ दे, वो कर एक पक्का है जैसे MCD की तरफ से देने से ये उम्मीद रहे कि वो कभी तोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, उससे हमारे भविष्य में, हमारे जरिए फिर मेरे बच्चे का भी भविष्य उसमें जुड़ा रहेगा। महिला हैं आप, आपने ही काम शुरू किया जी, पहले मैंने ही काम शुरू, कितना तकलीफ हुई जब सब कुछ चला गया है? तो आपने देखा वो कितना तकलीफ हुआ, वो मुझे ही मालूम है और ऊपर वाला को ही मालूम है, वो तो आपको दे इतना था। पहले हमने उनको बताया, जब मैं घर के आगे ना पुलिस वाले बैठे रहे हमारे घर के आगे, वो मीडिया वाले बैठे रहते हैं, गाड़ी भी वो रेडी के सामने ही खड़े रहते, जब हम सामान निकालने गए ना वो मना कर रहे, बोले वो रेडी पटरी वालों को कुछ नहीं बोलेंगे, जो कबाड़ा का सामान है वो ही हटवाएंगे। आप श्योर हो गई कि आपका हाँ, सामान तो नहीं जाएगा? जब उन्होंने जब बोले तो हमने निकाला नहीं, तो हमें निकालने का मौका देते तो हमें निकाल, जब भी तोड़ भी दिया जो सामान था, जो फ्रिज जो टूटा हुआ फ्रिज, जो रेडी लोहे का, तो मैं इतना रो रही इतना बोल रही कि ये सामान ये मेरे लिए बहुत है, ये मुझे दे दो, वो तब भी ना वो सारा उठा के लाया, जो चिल्लर जैसे जो पैसा पड़ा हुआ था मेरा लड़का सब पे, वो छोटा वाला आशी वो पैसे भी उठा रहा था, वो भी देख, वो भी बहुत रो रहा था, लेकिन रो रो के वो भी पैसा उठा रहा था, मेरा ये बड़ा वाला लड़का भी उठा रहा है ये बोतल, वो जो बचा थोड़ा बहुत, कोई सामान बचा है क्या अभी? कुछ नहीं बचा, थोड़ा बहुत ही बचा था, जैसे 3-4 फ्रूटी ये इतना सा वही बच्चा, बाकी सब सामान आपका बचा, जो रेडी लोहा में सब लेके गया। अच्छा, महिलाओं को वैसे ही काम करने दिया आपने, इतना बड़ा इनिशिएट लिया, शुरू किया काम, इतने सालों में कितनी तकलीफ हुई और झटके में सारा सामान आपका चला गया? बहुत तकलीफ हुआ, बहुत, मतलब कैसे आपने शुरू किया, कैसे शुरू किया आपने और कैसे यहाँ तक? वो शुरू बहुत इतना तकलीफ से मैंने शुरू किया, वो तो मैं जाहिर भी नहीं कर सकती, बोल भी नहीं सकती, वो मेरे परेशान, वो एक एक दिन मेरे कैसे हैं। लोन भरना पड़ता था? लोन 12,000 लोन भरता, तब भी मुझे लोन भरना पड़ता था, अब ज़्यादा ले हो ज़्यादा भरना पड़ता है मुझे। कैसे चलेगा अगर आगे? तो इसलिए तो कह रहा हूँ मुझे इजाज़त दे दे रेडी पटरी लगाने का और MCD की तरफ से, मैं तो अब सरकार से यही उम्मीद कर सकती। किसी से मिली है, किसी सरकारी अधिकारी से या किसी नेता से? नहीं, नेता से तो अभी तक नहीं मिले, क्योंकि किसी से अभी मदद नहीं मिले, जो कह रहे थोड़ा बहुत देंगे, मिल रहे थोड़ा बहुत, तो मैं ये चाहती हूँ जो थोड़ा बहुत जो मिल रहे है वो हमें नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ सब मिल के मुझे एक पक्का ठिया दिलवा दे, बस चाहती कि एक ठेला मिले, क्या फिर दोबारा से शुरू करें? ये मैं दुआ, क्योंकि वो एक क्या शुरू करेंगे अगर ठेला मिल जाता, दुकान कोल्ड ड्रिंक पेप्सी की यही शुरू करेंगे, क्योंकि वो एक दिन गया जो मेरा पति, मेरा घर वाला जो मजदूर कहते थे, कभी कभी हम भूखे भी रह जाते थे क्योंकि उससे गुजारा नहीं होता था, और इससे थोड़ा बहुत जो घर, यही हमारे लिए बहुत बहुत है, इससे आपकी ज़िंदगी बदल गई थी, बदल गई, हाँ, भूखे नहीं रहना पड़ा एक दिन में, एक दिन भूखे नहीं। अगर आपको रेडी दे भी देते हैं, हाँ। फ्रिज नहीं है आपके पास, क्या दूसरा ऑप्शन आपने सोचा? फ्रिज नहीं है, थोड़ा बहुत मदद कर देंगे तो वो भी ले लेंगे, फ्रिज भी ले लेंगे उसमें। तो ये थी हमारे साथ महिला जिनकी उस दिन दुकान तोड़ दी गई थी, और इनका कहना है कि सारी दुकान इन्होंने खुद बनाई थी, शुरू
खुद से किया था, पहले इनके पति मजदूर थे, बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ शुरू किया था, लेकिन झटके भर में सारी चीज़ बदल गई।